वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन के अवसर पर दुर्ग की आदर्श कन्याशाला में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष अयूब खान के द्वारा नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 150 छात्राओं को जांच के दौरान चश्मे प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिक विशेष रूप से उपस्थित रहे। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में दुर्ग का नाम रोशन कर चुकी महिला खिलाड़ियों ने भी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम के बारे में वरिष्ठ कांग्रेस नेता अयूब खान ने मीडिया को कुछ इस तरह से जानकारी दी। जैसे कि आज हमारे मुख्यमंत्री जी का जन्म उत्सव प्रदेश भर में हर्षोल्लास जोशो खरूस के साथ मनाया जा रहा है, उसी परिपाटी में हम लोगों ने यहाँ पर दुर्ग के आदर्श कन्या स्कूल में लगभग 100 से ऊपर निःशुल्क चश्मा का वितरण किया। जैसे आप जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी की जो सोच है स्कूल और शिक्षा पे फोकस है, उन्होंने लगातार एक बार आत्मानंद स्कूल की उन्होंने घोषणा करते जा रहे हैं, अब आत्मानंद कॉलेज की भी घोषणा की है। उनका उद्देश्य ये है कि जो छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, वो खूब पढ़े लिखे और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करो। इस दौरान जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, उस दौरान उनके बाद 2 साल कोरोना काल आ गया। कोरोना काल होने के कारण सब लोगों ने ऑनलाइन की पढ़ाइयाँ शुरू कर दी बच्चों ने। उस ऑनलाइन पढ़ाई के चक्कर में बहुत से बच्चों को ऐसा उनको जानकारी में नहीं है कि उनको आँखों की थड़ की थोड़ी या बहुत कम या ज़्यादा आँखों की समस्या है होने लगी, क्योंकि उसका इफेक्ट पड़ता है ऑनलाइन पढ़ाई के जो होता है। तो क्यों ना जो हमारे मुख्यमंत्री और हमारे पढ़ने वाले बच्चों के बीच में जो अवरोधक बना हुआ है, उसके लिए वो आँखों की समस्या जो है उसको दूर करने के सोच के लिए मैंने पिछले हफ्ते यहाँ पर आदर्श कन्या स्कूल में जांच करवाया। लगभग 650 बच्चों की मैंने जांच करवाई। उस जांच में 158 लोगों को चश्मा का वो आया, जिसका माइनस, किसी का माइनस है, किसी का कम प्लस है, कोई कम है, कोई ज़्यादा है, लेकिन सब लोगों का हम लोगों ने चश्मा बना के यहाँ पर वितरण किया। गरीबी लोगों का ही फायदा, इसीलिए मैंने ऐसा स्कूल चुना है जहाँ पर फीस देने में लोग अक्षम होते हैं। ये आदर्श कन्या स्कूल दुर्ग का पुराना इतिहास है, बहुत पुराना मल्टीपर्पस स्कूल और आदर्श कन्या स्कूल दुर्ग में बहुत पुराना स्कूल है, और यहाँ पर यह इतिहास रहा है कि यहाँ पे निम्न तबके के लोग और अच्छे लोग पढ़ा करते। इसलिए मैंने ये जो मुहिम है, जो निःशुल्क चश्मा वितरण का मुख्यमंत्री जी के जन्म उत्सव पर मैंने यहाँ से शुरुआत की है। प्रचार का सहयोग पूरा साथ में